आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कोरोना के आंकड़ों और सरकार की तैयारियों को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। आरजेडी ने तो मानो इसे मुद्दा ही बना लिया है। गुरुवार को आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाया तो स्वास्थ्य मंत्री ने सामने आकर जवाब दिया। अब शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने फिर से आंकड़ों के साथ साथ जांच मशीन के ऑर्डर को कैंसिल करने के मसले पर स्वास्थ्य मंत्री को निशाने पर ले लिया। आरोप कमीशन को लेकर लगाया जिससे तिलमिलाई जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर तेजस्वी को जवाब दिया। एंटीजन टेस्ट पर तेजस्वी ने उठाए सवाल। आरटीपीसीआर टेस्ट में पीछे क्यों है सरकार? जांच मशीन के ऑर्डर कैंसिल पर घिरे मंत्री। कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है उसी तेजी से बिहार में राजनीति भी हो रही है। जांच को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि बिहार सरकार को बताना चाहिए कि एंटीजन टेस्ट ज्यादा विश्वसनीय है या आरटीपीसीआर ज्यादा विश्वसनीय है। तेजस्वी ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि 148 दिन में आरटीपीसीआर से औसतन जांच सिर्फ 2179 हुई है। सीएम ने प्रधानमंत्री के सामने 10 अगस्त का आंकड़ा रखा और बताया कि कुल 75,346 जांच 24 घंटे में किए गए। इनमें 6,100 ही आरटीपीसीआर से जांच की गई थी जो कि कुल जांच का महज 8% ही है। उन्होंने कहा कि नया प्रधान सचिव बनने के दो दिन में ही 30,000 जांच कैसे बढ़ गई? अगर 148 दिन का अगर औसत निकालिएगा तो केवल 2179 ही आरटीपीसीआर से जांच की गई। और आप देखिएगा 11 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी के सामने जो मुख्यमंत्री जी ने जो बातें रखी, अगर आप देखिएगा मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि उस दिन कुल जांच जो है 75,346 हुआ था। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, कहा तो तेजस्वी यादव पहले कहते थे कि 10,000 कोरोना का जांच नहीं हो रहा है और आज जांच के आंकड़े को 1,00,000 पहुंचाने का काम किया। सवाल जांच मशीन के ऑर्डर कैंसिल किए जाने को लेकर भी है। तेजस्वी ने यह भी मुद्दा उठाया और स्वास्थ्य मंत्री को घेर लिया। तेजस्वी ने कहा कि जो कोवास 8800 मशीन विदेश से आने वाली थी, कोरोना काल के बीच में ऑर्डर क्यों कैंसिल कर दिया गया? बिहार सरकार ने 15 मई को ऑर्डर किया, फिर 24 जून को ऑर्डर रद्द कर दिया। जबकि ऑर्डर कैंसिल करने के पीछे विभाग की जो दलील दी गई है वो ये कि कंपनी ने इमरजेंसी के वक्त में मशीन की सप्लाई नहीं की, इसलिए ऑर्डर को रद्द किया जाता है। मई में जब मशीन के लिए ऑर्डर दिया गया तो उस वक्त बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या महज 1,000 के करीब थी और आज 1,00,000 के करीब है। लेकिन सरकार को हालात अब इमरजेंसी वाले नहीं लग रहे हैं। क्यों कैंसिल के 4 महीने बाद ऑर्डर किया और 5वें महीने के अंत तक आपने कैंसिल कर दिया? जिस मशीन की कोबस की क्षमता 36,000 एक दिन में जो है जांच करने की है, जांच रिपोर्ट देने की है, आपने उसको कैंसिल कर दिया। यानी शक तो कहीं ना कहीं है कि भैया कमीशन नहीं मिल रहा था मंत्री जी को। जिनकी जैसी भावना होती है उसका वही काम करता है। जो स्वयं उनके खानदान ने किया है, उन्होंने किया है, तो उनको तो वही दिखाई पड़ेगा ना। अब जब स्वास्थ्य मंत्री विपक्ष के आरोप और सवालों में घिरे हैं तो जवाब उन्हीं को देना होगा कि इमरजेंसी जैसे हालात कौन से, मई का महीना या फिर कोरोना से बदहाल वर्तमान स्थिति। तय कीजिए और फिर जनता को जवाब दे दीजिए। दिल्ली से नेहा और पटना से धीरज ठाकुर के साथ रुपेंद्र, जी मीडिया। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य मंत्री के एंटीजन टेस्ट पर भी सवाल उठाए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने फिर से तेजस्वी पर पलटवार किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जानकारी के अभाव में नया नया शगुफा छोड़कर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। मंगल पांडे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष को ज्ञानवर्धन करने की जरूरत है। मंगल पांडे के मुताबिक आईसीएमआर ने यह कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से किसी मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसमें आरटीपीसीआर जांच की जरूरत नहीं पड़ती। उसी तरह ट्रूनेट मशीन में यदि किसी की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उसे पूर्णतः नेगेटिव मरीज माना जाता है।